नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो अच्छे खासे टेढ़े मेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं, तो फिर चुनाव आयोग कैसे कोर्ट के आदेश की नाफरमानी कर सकता था। कोर्ट से पड़ी फटकार के बाद आखिरकार ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर डाली तो एक भूचाल सा आ गया। वेबसाइट पर डाली गई जानकारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी में पहला नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का है, जिसके खिलाफ ED ने जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम है। इस कंपनी को शॉर्ट में MEIL या मेगा भी कहा जाता है। ECI की जानकारी के अनुसार मेगा इंजीनियरिंग ने अब तक 1-1 करोड़ रुपए की कीमत वाले कुल 821 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। तो वहीं उससे भी बड़ी ताज्जुब वाली बात ये है कि मेगा इंजीनियरिंग कंपनी ने पिछले साल के अप्रैल में 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इसके एक महीने बाद ही कंपनी को महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनावी बॉन्ड खरीदने के एक महीने के अंदर ही मेगा इंजीनियरिंग को ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया था। महाराष्ट्र सरकार के MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला था, जिसके तहत संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत 2 रोड टनल बनाई जानी थी। तमाम कंपनीज ने टेंडर भरा, लेकिन खबरों की माने तो सिर्फ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के टेंडर पर ही प्रतिक्रिया दी गई थी। इसके बाद मुंबई की एक इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में टेंडर में गड़बड़ी को लेकर 2 अर्जियां भी दाखिल की थी। पहली अर्जी में पैकेज 1 प्रोजेक्ट यानी बोरीवली की तरफ बनने वाली 5.75 किलोमीटर की टनल को लेकर पक्षपात की बात कही थी और दूसरी अर्जी में पैकेज 2 यानी ठाणे की तरफ बनने वाली करीब 6 किलोमीटर लंबी टनल के बारे में कहा गया था। LNT के मुताबिक एक सफल बिल्डर होने के बावजूद उनकी बिट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद MMRDA ने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा कि फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद LNT कंपनी की तरफ से कमियों के सुधार के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन नियमों के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक बार संसद में मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ करते हुए कहा था कि जिस कंपनी ने ये टेंडर जीता है और इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, सरकार ने उस प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए की बचत की है। अब अगर गडकरी साहब ने किसी कंपनी की तारीफ की है तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो चलिए एक नजर इस कंपनी के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना PP रेड्डी ने साल 1989 में की थी। रेड्डी आज देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। PP रेड्डी इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दिग्गज हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 16,591 करोड़ रुपए है। रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि उनका कारोबार उन्हें विरासत में नहीं मिला, वो एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। PP रेड्डी का जन्म 1953 में तेलंगाना के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1976 में इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। 1989 में उन्होंने अपनी कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की स्थापना की और तेजी से विकास किया। अब ये भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों में से एक बन गई है। कंपनी का नेटवर्थ करीब $14 अरब बताया जाता है। रेड्डी हैदराबाद में डायमंड हाउस नाम की एक आलिशान हवेली में रहते हैं, जिसमें ऐशो आराम की हर सुविधा है। कहते हैं कि वो इतने अमीर आदमी हैं कि उनके पास एक निजी गोल्फ कोर्स भी है, लेकिन ये ऐशो आराम कहाँ तक टिक पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर जब कोई आ जाता है तो उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।